tutor and guide, Dr. Manoj Peepal. Today, we are going to discuss the future continuous tense. Students, in one of my videos, I have already told you that in modern English, there is no future tense. But for our convenience, we use shall or will to express future actions. मैं अपने पहले के एक वीडियो में बता चुका हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, पर हम अपनी सुविधा के लिए शैल विल का यूज करके फ्यूचर एक्शंस को दिखाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एक्सेट्रा मिल जाते हैं। देखिए, जब आप इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिखाने हो तो आप सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का यूज करेंगे, बी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट रखेंगे और टाइम एडवर्बियर वगैरह जो भी दे रखा हो उसे जोड़ देंगे। देखिए, यदि सब्जेक्ट की जगह आई और वी हो तो हम शैल का यूज करते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है। पर जब आप बात करते हैं प्रॉमिस वादे की, थ्रेट धमकी की, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की, इंटेंशन इरादे की, तो ये क्रम बदल जाता है क्योंकि उस समय शैल और विल मॉडल के रूप में काम आते हैं। देखिएगा, यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, शैल और विल में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, नॉट लगाएंगे, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखकर टाइम एडवर्बियल वगैरह जो भी होगा उसे रख दिया जाता है। देखिए, यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कोई भी टाइम एडवर्बियल लगाना हो तो उसका यूज कर लिया जाता है। यदि आप इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट का यूज हो जाएगा। यूजे नाउ सी वेयर वी कैन यूज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए गोइंग ऑन, जो चल रहा हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय पर, इन द फ्यूचर, भविष्य में। सेकेंड देखिए, टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रोग्राम, किसी निश्चित प्रोग्राम को और प्लान को दिखाने के लिए, और फ्यूचर, जो भविष्य का हो। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। देखिएगा, यदि एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ फ्यूचर का कोई भी टाइम दे रखा हो, जैसे टुमोरो, नेक्स्ट प्लस टाइम एटसेट्रा, तो वो सेंटेंस फ्यूचर का है, ये इंडिकेशन मिलता है। नाउ सी द एक्सरसाइज, ही ब्लैंक स्पेस कोटा एट दिस टाइम टुमोरो और वर्ब है गो। देखिएगा, एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर टाइम टुमोरो दे रखा है, सब्जेक्ट ही है तो हम विल का यूज करेंगे, बी लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लिखनी है तो गोइंग लिखेंगे, ही विल बी गोइंग। और देखिए, टू किसी भी स्थान की तरफ मूवमेंट दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ही विल बी गोइंग टू कोटा, वो कोटा जा रहा होगा एट दिस टाइम टुमोरो, कल इस समय। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, इट ब्लैंक स्पेस रेन हियर एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे को एट दिस टाइम, फ्यूचर टाइम प्लस एट दिस टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट इट है, इट के साथ हम विल का यूज करेंगे, बी लगाएंगे और वर्ब रेन है उसमें आईएनजी ऐड करके रेनिंग लिख दिया जाएगा, इट विल बी रेनिंग हियर, या बरसात हो रही होगी एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को इस समय। वी ब्लैंक स्पेस एन एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमोरो, एट दिस टाइम प्लस टुमोरो, सब्जेक्ट वी है तो हम
शेल का यूज करेंगे, बी आ जाएगा और टेक आईएनजी लगाओगे तो ई हटकर आईएनजी लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अक्सर हम हिंदी में कहते हैं परीक्षा देना और बाई मिस्टेक बच्चे गिव एग्जाम करते हैं जो कि गलत होता है। परीक्षा देने के लिए टेक एग्जाम और परीक्षा लेने के लिए गिव एग्जाम का यूज होता है। यहां वी शैल बी टेकिंग एन एग्जामिनेशन, हम एक परीक्षा दे रहे होंगे एट दिस टाइम टुमोरो, कल इस समय। आई ब्लेम स्पेस माई सेल्फ एट दिस टाइम इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय मैं मजे कर रहा हूंगा। देखिएगा आई है तो हम शेयर का यूज करेंगे, बी लगाएंगे और एंजॉय में आईएनजी आएगा तो एंजॉयिंग। रितु ब्लैंक स्पेस अ मैच एट दिस टाइम ऑन फिफ्थ मे और वर्ब है प्ले। रितु 5 मई को इस समय एक मैच खेल रही होगी। रितु थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम विल का यूज करेंगे, बी लगाएंगे और प्ले में आईएनजी है तो प्ले का यूज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज हम कहां करते हैं। आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। थैंक यू।